हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद सरस जीवन में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त सरस। फ्रेंड्स, आज मैं नेट पर सर्च कर रहा था कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा महिलाएं किस चीज़ को सर्च करती हैं, तो मैंने पाया कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो महिलाएं जो सर्च करती हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान जितनी भी डिटेल्स होती है वो उनको सर्च करती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी को लेकर के मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है ताकि आप भी इस तरह की वीडियो से लाभ ले सकें। फ्रेंड्स, महिलाओं में अक्सर यह समस्याएं होती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान वो क्या करें क्या ना करें और किन किन चीज़ों को वो अपने जीवन में ऐड करें जिससे वो प्रेगनेंसी को ठीक से जारी रख सकें या फिर प्रेगनेंसी में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो फ्रेंड्स, इसी को लेकर के हमारा यह वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा और इन जो मैं आपको बात बताऊँगा उनसे अपने जीवन में सुन करके बदलाव लाइएगा। फ्रेंड्स, अगर कोई भी लेडीज़ प्रेगनेंस है तो क्या करना चाहिए। पहले नंबर की बात करें तो भारी वजन उनको बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए, जैसे कि पानी से भरी हुई बाल्टी, सिलबट्टा, भारी कुर्सियां, बक्सा इत्यादि जो भारी सामान है उनको नहीं उठाना चाहिए और ना ही उठाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है जिससे नुकसान होने के ज़्यादा चांस होते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले नंबर के बारे में। बहुत देर तक आपको खड़े बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि ज़्यादा देर तक आप खड़े रहते हैं तो आपकी एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाती है, जिससे हमारे शरीर को कमजोरी महसूस होने लगती है। यदि आपको किचन में आपको यदि बहुत देर तक खड़ा होना भी पड़ता है तो एक कुर्सी रख लीजिए और उस कुर्सी के सहारे आप खड़े होकर या बैठकर काम कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले नंबर के बारे में। सीढ़ियों का प्रयोग कम से कम करें। फ्रेंड्स, सीढ़ियों का प्रयोग मतलब कि आप जीने पर कम से कम चढ़ें। यदि आप ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहती हैं और मजबूरी में आपको नीचे उतरना पड़ता है तो कोशिश करिए कि एक ही बार में अपने सारे काम निपटा लीजिए। इसके लिए एक कार्यसूची बना लीजिए और उचित होगा कि सीढ़ियाँ रेलिंग पकड़ कर ही उतरे। रेलिंग मतलब जिन्हें हम सीढ़ियों के किनारे पे गिरने से बचने के लिए बनाते हैं, उन्हें पकड़ करके आप धीरे धीरे आराम से चढ़ें और उतरें, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपके पेट पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले नंबर के बारे में। हील वाली एड़ियां आपको बिल्कुल भी नहीं पहननी है। जिन चप्पल की एड़ियां ऊंची होती हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं पहननी है। हमेशा फ्लैट चप्पल ही पहनी है। यदि आप ऑफिस जाती हैं तो फ्लैट सैंडल का ही आप प्रयोग करेंगी, क्योंकि हील वाली अगर चप्पल या सैंडल आप पहनते हैं तो उनसे पाँव का मुड़कर गिरने के खतरे ज़्यादा होते हैं। तो आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें और इन सेफ्टी का आप प्रयोग अपने जीवन में लाएँ। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले नंबर के बारे में। बाहरी खाना आप बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि फ्रेंड्स बाहर की चीज़ें स्पाइसी होती हैं, वो गर्म होती है, वो आपको नुकसान कर सकती हैं। खास तौर पे जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ एक्सेट्रा, मोमोज़ वगैरह, चिली पटेटो, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें जो स्पाइसी होती है, जिनमें मसाले का प्रयोग ज़्यादा होता है। और हम होटल पे खाना खाने जाते हैं, शादी ब्याह वगैरह में भी जाते हैं, तो उनमें स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, उनकी शुद्धता की कोई गारंटी भी नहीं होती, इसलिए आपको इन चीज़ों से बचना है जिससे आप रिस्क को थोड़ा कम कर करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले नंबर के बारे में। तला और मसालेदार बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है। इससे गैस और एसिडिटी और जलन हमारे शरीर में होने लगती है, जिससे हमारी प्रेगनेंसी पर उसका असर पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान बिना किसी सलाह के आप किसी भी दवा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। यहाँ तक कि छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी आप अपने आप दवा स्टोर से ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखनी चाहिए और यह बहुत रिस्की होता है, इसलिए आप बिल्कुल रिस्क ना लें। और डॉक्टर्स की या नर्स की या आपके आसपास जो इस विषय में ज़्यादा जानकारी रखता है उनकी सलाह के बिना कोई भी कार्य आप नहीं करेंगी। अब फ्रेंड्स, गर्भ अवस्था के दौरान तनावपूर्ण या डरावने या सीरियल या मूवी आप बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि फ्रेंड्स इससे क्या होता है कि अगर हम डरावने सीरियल्स और नाटक जो वगैरह देखते हैं, जो हम देखते हैं हमारे अंदर, जो हम प्रेग्नेंट हैं हमारे बच्चा भी उन चीज़ों को देखता है, क्योंकि वो हमारे अंदर है और हमारे शरीर से वो जुड़ा हुआ होता है। हमारी आत्मा आपके अंदर जो बेबी है उससे जुड़ चुकी होती है, इसलिए हम जो देखते हैं जो समझते हैं वो ही सोच और समझ उस बच्चे की भी होने लगती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की चीज़ें आप ना देखें और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी चीज़ देखें जिससे आपकी संतान अच्छी पैदा हो। और फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले नंबर के बारे में।
कोई भी ऐसा आप काम ना करें जिसमें आपको अत्यधिक तनाव का सामना करना पड़े। फ्रेंड्स, अगर घर में आपको झगड़ा या फिर कोई ऐसी बात है तो फ्रेंड्स उसको आप, जब तक आप प्रेग्नेंट है तब तक उसको आप, मतलब ऐसी बातों को हमेशा दबा के रखें और तनाव होने ना दें घर में, क्योंकि इससे आपकी प्रेगनेंसी पर असर पड़ता है। और फ्रेंड्स बात करते हैं अगले नंबर के बारे में। इस दौरान तंग कपड़े आप बिल्कुल ना पहने। तंग कपड़े मतलब आपको ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं जिससे आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो, जो कपड़े टाइट हैं जिससे आपकी, आपका शरीर पूरी तरह से खुले ना और बंद सा जाए। आपको खुले कपड़े पहनने ताकि आप ठीक से चल सकें और आपकी त्वचा और आपके हर शरीर का एक एक अंग ठीक से मूव कर सके। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अगले नंबर के बारे में। कुछ अध्ययनों में पता चला है कि प्रेगनेंसी के दौरान मोबाइल फ़ोन का अत्यधिक इस्तेमाल होने से बच्चे के लिए काफ़ी हानिकारक माना गया है, क्योंकि फ्रेंड्स मोबाइल से, जो टच मोबाइल है उनसे क्या होता है, काफ़ी मात्रा में रेडिएशन निकलता है और जो हमारे बच्चे के मस्तिष्क और उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। तो फ्रेंड आप इन चीज़ों से बचें, मोबाइल कम से कम अपने यूज़ में लाएँ और हो सके तो आप छोटे फ़ोन का इस्तेमाल करें, टच फ़ोन से आप दूरी बनाए रखें। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अगले नंबर के बारे में। अकेले ना रहें। आप अगर घर पर हैं तो, आप घर पर कोई नहीं है तो फ्रेंड्स किसी को अपने साथ में रखें, क्योंकि आपको किसी भी समय कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अकेला आपको नहीं रहना है। यदि अकेले रहती हैं तो हमेशा अपना मोबाइल रिचार्ज करके रखें और मोबाइल के आसपास रखें ताकि तुरंत आपको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल सके, किसी की मदद आपको मिल सके। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अगले नंबर के बारे में। बाथरूम में खड़े होकर ना नहाएं बिल्कुल भी। बाथरूम में अक्सर क्या होता है कि लड़कियां फुहारा वगैरह चलाकर खड़े होकर नहाती हैं, उससे क्या होगा फ्रेंड्स, जब हम खड़े होकर नहाते हैं तो हमारा पांव स्लिप हो सकता है और हमें हानि हो सकती है। तो इसलिए आप खड़े होकर ना नहाएं, बिल्कुल भी रिस्क न लें। और इस बात की पुष्टि करने की कई वगैरह ज़मीनों से फिसलने का खतरा हमें बढ़ जाता है, आपने अक्सर देखा भी होगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अगले नंबर के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, बिल्कुल इसको अवॉइड करें और किसी और को अपने करीब धूम्रपान भी न होने दें। पैसिव स्मोकिंग से ही बच्चे को खतरा हो सकता है, तो क्योंकि फ्रेंड्स जब हमारे पास में, आसपास में कोई स्मोकिंग करता है तो उसका धुआं हमारे अंदर भी जाता है, इसका मतलब सिगरेट हम भी पी रहे हैं और जो हमारे प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बेबी को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी का लाभ लेकर के आप अपने जीवन में कुछ बदलाव अवश्य लाएंगे और अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आप सेफ्टी बरतेंगे। और फ्रेंड्स लास्ट में आपसे एक बार यही निवेदन करूंगा कि मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को, अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उन लेडीज़ों को अवश्य शेयर करें जो प्रेगनेंट हैं और जिन्हें इस तरह की जानकारी से अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने की सलाह मिल जाए। तो फ्रेंड्स बाय बाय।